बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कि किसी भी पौधे को जो है वो बेहतरीन ग्रोथ के लिए जो है वो किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, और आपको आज आपको तरीका बताते हैं कोई पौधा जो है वो किस तरह लगाना है। तो आज हम जो है वो हमारे पास एक कराची का पौधा है, ये लगाने जा रहे हैं। तो मैंने जो है वो ये हमारे पास एक गमला है, इस गमले में जो है मैंने मिट्टी और कंपोस्ट को जो है वो आपस में मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद जो है मैं आपको बताता चलूँ, थोड़ा सा हम कंपोस्ट डालेंगे, थोड़ा सा कंपोस्ट डालते जाएँ, इसमें साथ थोड़ी सी मिट्टी को डालते जाएँ। मिट्टी जो है वो आपकी बारीक हो, इसमें जो है वो ज़्यादा बड़ी ना हो। फिर इसके बाद थोड़ा सा और कंपोस्ट डालते हैं, ये सारा कुछ डालने के बाद जो है वो आपको बताता चलूँ कि हमने जो है गमले से पौधे को कैसे निकालना है। तो थोड़ा थोड़ा इसको ऐसे ऐसे करें, लगाएं थोड़ा थोड़ा, तो ये हमारा पौधा जो है ना बाहर आ गया। दोस्तों हमारा पौधा जो है वो बाहर आ गया है, तो हम जो है वो आपको बताते हैं कि इसको बनाना कैसे है। मिट्टी को थोड़ा मिक्स कर लें, दरमियान वाली मिट्टी को मिक्स करने के बाद जो है इसको ये लगाने के बाद मिट्टी डाल दें। साथ में थोड़ी सी कंपोस्ट भी डाल दें। कंपोस्ट के ऊपर थोड़ी सी जो थोड़ा सा पानी लेके आओ। ये दोस्तों अच्छी ग्रोथ के लिए हमारा पौधा जो है वो रेडी है, इंशाल्लाह आपको इसके रिजल्ट के बारे में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये सारा कुछ करने के बाद हर पौधे की नेचर जो है मुख्तलिफ होती है। तो इलायची का जो पौधा है इसको जो है वो पानी की इतनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उसका मिट्टी को जो है वो इसको तकरीबन 10 दिन बाद जो है वो आप पानी दे सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी इस पौधे को जो है वो कैसे ग्रोथ लाना है। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।